होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल हैनीमैन की जयंती नगीना में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती के मौके पर सभी डॉक्टरों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। नगर के प्रमुख व प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सिकंदर के रोडवेज परिसर के पास स्थित प्रतिष्ठान पर शनिवार को होम्योपैथिक के जनक की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मौजूद चिकित्सकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिकंदर सिंह ने कहा कि सुलभ व सुसंगत चिकित्सा होम्योपैथी में ही की जा सकती है। ये पैथी सबसे सस्ती और अधिक कारगर है। इस मौके पर सभी चिकित्सकों ने होम्योपैथी के जनक के चित्र पर माला पहनाकर उन्हें याद किया तथा उनके जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर डॉक्टर भूपेश चौहान, डॉक्टर आनंद गहलोत, डॉक्टर फैयाज अंसारी, डॉक्टर पदम बिश्नोई, डॉक्टर इशरत अली आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सिकंदर ने की तथा संचालन डॉक्टर भूपेश ने किया। न्यूज़ फ्रीडम के लिए नगीना से मुनीर आलम की खास रिपोर्ट। होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सुभाष हनीमन जो उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार करके और सारी दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान किया। ये पहले केमिस्ट्री के प्रखंड पंडित जिसे कहना चाहिए वो थे। उसके बाद जो है वो उन्होंने इस पर रिसर्च की और होम्योपैथी का इसमें जो उन्होंने किया है उसका सिविलिया सिविलवस क्यूरेटर ये नाम देके और उसको किया जो एक सिविलर मेडिसिन एक दूसरे के ऊपर काम करती है। और हम सभी होम्योपैथी के चिकित्सक होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की बर्थडे मना रहे हैं। साथियों, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी की इजाद करके इस दुनिया पर बहुत बड़ा उपकार किया है क्योंकि ये पैथी तमाम मर्ज़ों को जड़ से ख़त्म करती है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया ये सिविलिया सिविलवस क्यूरेटर के ऊपर इसका काम होता है और ये मर्ज को यदि जड़ से ख़त्म करती है और बहुत सस्ती दवाएं मरीजों को दी जाती हैं।